जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है क्रांति रेडकर। क्रांति अभिनेत्री हैं और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी भी। बीते दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो फिर चर्चा में आ गए थे। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। क्रांति रेडकर का जन्म मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद क्रांति रेडकर एक्टिंग फील्ड में आ गई थी। उनकी पहली मराठी फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम सून असावी आशी था। इस फिल्म में उनके अलावा अंकुश चौधरी मुख्य भूमिका में थे। मराठी फिल्म के अलावा क्रांति रेडकर बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। क्रांति रेडकर ने अजय देवगन और ग्रेसी सिंह स्टारर फिल्म गंगाजल में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्मों के अलावा क्रांति रेडकर अपने डांस परफॉर्मेंस से भी जलवा बिखेर चुकी है। उन्होंने मराठी गाना कोमटी पलई पर डांस परफॉर्मेंस दी थी। बाद में यह गाना हिंदी फिल्म अग्निपथ में कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन के बीच फिल्माया गया था। क्रांति कई मराठी फिल्मों में नजर आ चुकी है, जिसमें शहाणपण, देगा देवा, शिक्षणाच्य, आयचा घो, खो खो और मर्डर मिस्ट्री आदि शामिल हैं। बता दें कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ क्रांति रेडकर दो जुड़वा बेटियों की माँ भी है। समीर वानखेड़े के साथ उनकी शादी साल 2017 में हुई थी। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े साल 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। समीर की भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी, लेकिन उनकी काबिलियत के वजह से उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भेज दिया गया था। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ही पिछले दो सालों के अंदर करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल ही समीर वानखेड़े का DRI से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ट्रांसफर किया गया है। समीर वानखेड़े अपनी ड्यूटी के प्रति काफी ईमानदार हैं और जब ड्यूटी की बात होती है तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। वानखेड़े जब मुंबई एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात थे तो उन्होंने अपने जूनियर्स को सेलिब्रिटीज के पीछे भागने से रोक दिया था। वो बॉलीवुड सितारों को बिना टैक्स दिए जाने नहीं देते थे। दरअसल कोई भी यात्री विदेश से 35,000 रुपए तक का सामान ला सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का सामान होने पर 36% कस्टम टैक्स देना होता है। अगर सामान की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो कस्टम अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं।